राम राम भाइयों को क्या हाल है सब भाइयों के। तुम्हारे भाई की थोड़ी तबीयत वीक हो गई थी, इस चक्कर में व्लॉग थोड़े आ नहीं पाए 3-4 दिन से। आज लाइव हूँ मैं भाई के घर से। ठीक है भाई निशांत भाई, राम राम कर दो राम पब्लिक। राम राम बाजा रहा है सारे भैया ने। ठीक है भाई, बोला नहीं जा रहा बट कोई बात नहीं, होता अभी पहली बार बोला ना, 2-3 बार बोलेंगे तो आदत हो जाएगी। तो भाई आज का दिन जो हमारा था वो बहुत ही खराब था। ठीक है, एक तो भाई कोई कमेंट में ना काला जादू हटाने का तरीका भेजो ना, तो रात में आज रात से ही मैं नींबू मिर्ची की वीडियो देखना शुरू कर देता हूँ, कि तांत्रिक वांत्रिक की वीडियो देखना शुरू करना पड़ेगा। और तुम सोच रहे होगे मैं ऐसा तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ, तो भाई इसके पीछे एक रीज़न भी है। तुम्हारे भाई के साथ हो गई है काली शक्ति का हमला, तुम्हारे भाई के ऊपर काली शक्तियों का हमला, और मेरे लपेट में आ गए हैं भाई जी, दिख रहे इधर बैठे हैं। ठीक है, हुआ क्या है भाई, एक तो गाड़ी जब से ली है, ठीक है भाई ने गाड़ी तो अच्छी ली है भाई, बहुत मॉडिफिकेशन भाई ने करवाई, इसमें काम करवाया भाई, बंद कर लोगे 2 मिनट, काफ़ी चीज़ें करवाई। ठीक है, पर हो क्या रहा है ना, हंसने की भी बात है, ये हो ऐसा रहा है कि वो चीज़ें चल नहीं पा रही, एक चीज़ ठीक हो रही है यार, एक चीज एक ठीक हो रही है, दूसरी फिर बहन जो माथे पे ऐसे ऐसे करके ना होता है ना कि भाई एक निकल नहीं रही, वो कह रही है रुक जा मैं भी आ रही हूँ, मैं भी वापस आ रही हूँ, वही दरवाजे पे खड़ी है समझो भाई, एक दूसरी ठीक होके आती है फिर ये दूसरी, अब गाड़ियाँ फिर सोकर लीक हो गए दोनों आगे के, वो भी दोनों 1800 के मोनो सोक के सोकर भरते हैं भाई, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से खर्चा लग रहा है। 1800 रुपए भाई का चूना भी खड़े खड़े लग गया, उसके बाद भी 2-3 काम हो रहा है अभी गाड़ी में। मैं भाई खुदाई नहीं कहीं भाई, पता नहीं कैसे होकर लीक हो गए यार, और मजाक नहीं कर रहा है भाई, भाई जितने प्यार से गाड़ी चलाते हैं ना, शायद मैं भी ना चलाता हूँ उतने प्यार से, तो समझ ही नहीं आ रहा भाई होकर लीक हो गया, बताओ यार। ये भी हो गया, फिर आज एक बीटी हो गई भाई, पुलिस वालों से हवाबाजी करके वीडियो पुलिस वाले देख रहे हैं तो देखो भाई हम ऐसे हवाबाजी नहीं करते, पर भाई जो पुलिस वाले थे वो थोड़ा रूड बिहेव कर रहे थे। इज्जत है देखो, आम पब्लिक है तो इसका मतलब ये नहीं ना भाई तुम दबा दोगे भाई, हम पूछेंगे ना हमारा क्या यार, भाई ने कुछ नहीं पूछा, भाई ने बस इतना पूछा हाँ भाई ये तो बताओ सर किस किस गुनाह में गाड़ी पकड़ी है, क्या दिक्कत हो गई आपके गाड़ी पकड़ ली, क्या तेजी में चला रहे थे, क्या कर रहे थे लोकल में, थाने में तुम ऐसी चाबी निकाल लोगे क्या भाई, पकड़े उतने में कह रहा बदतमीजी कर रहे भाई। आई दो पुलिस वालों को फोन मिलाया, सबको यही बोल रहा है बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, हमारे कॉन्टैक्ट और खराब कर रहा है, वो सीधा हमें उल्टा कह रहे हैं कि तूने बदतमीजी कर दी यार, जबकि भाई उससे बदतमीजी का एक लफ्ज नहीं बोला हमने। पर भाई वो तो देखो यार, वो तो अब खुद ही सोच रहा होगा वो कि बदतमीजी करने के बाद भी बंदे गाड़ी फ्री में ले रहे हैं, ईगो हर्ट हो गया मैं बता रहा हूं, उसका हो गया ईगो हर्ट, उसको सर कह रहा था कि उसके आगे जैसे ही बाइक पकड़ी उसके आगे सर्दी सर्दी करना था कि सर्दी छोड़ दो, सर्दी माफ कर दो, ऐसे कैसे भाई अब इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं, माफी मांगने के लिए ले रहे हैं क्या, वो तो भाई वैसे दिमाग खराब, मैंने हमने तो सीधा बोल दिया था भैया तेरी ऐप नहीं सुनेंगे, तुझे ऐसा है तो बंद कर देंगे गाड़ी, कह रहा बंद कर देंगे गाड़ी, मैं बंद करेगा वहां ही पैसे दे के छूटने हैं, यहाँ ही तू बता दे तेरे कितने कम है, हाँ तू बता दे। और भाई पुलिस वाले भाई अगर तुम्हें यकीन ना हो रहा भाई, उसने ऐसा करा वो बिक रहा, वो मांग रहा है कमीशन खुले हम बताओ, पर फिर भी भाई हम लोगों के तो भाई थोड़ा सिस्टम है, तो मुफ्त में ही गाड़ी छूटनी थी आज, नहीं तो कल, वो तो हमें पता था और आज ही छूटी है, छुटाई तो भाई मात्र 1 घंटे लगा, 1 घंटा लगा, वो भी एक बंदा आ गया था, उसके हस्बैंड वाइफ का कुछ मैटर हो गया था, वरना गाड़ी पहले ही छूट जाती, वरना पहले हम वो आया तुरंत लपेट के उससे बातचीत में लग गया, फिर वो दूसरा केस देखने लग गया, वरना गाड़ी तो कब की फरारी कर जाती, चाबी निकलने से पहले लग जाती वापस, ये था मतलब सिस्टम, पर कोई बात नहीं भाई ऐसा होता रहता है, गाड़ी तो उसी रोड पे अभी भी चल रही है, हाँ गाड़ी तो उसी रोड पे चल रही है पुलिस वाले के सामने, उसी रोड पे चलेगी भी भाई, भाई रोड उसने थोड़ी खरीद ली है भाई, प्रशासन प्रशासन जी आप ऐसा मत करो यार, हम आप बोलिए आपके इतना मानते हैं, उसको मैंने ये भी बोला कि सर हम तो आपकी हेल्प भी करते हैं, पुलिस वाले की मैंने हेल्प करी थी भाई, एक के रस्ते में ना बाइक खराब हो गई थी, मैं लिफ्ट दे के लेके आया था, मैं जब भी तो कह रहा था सर हम तो उल्टा आपकी हेल्प करते हैं, आपको भी ऐसे हो जाते और आप हमसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो, कह रहा थाने से बाहर निकलो, हाँ और फिर बता क्या कह रहा कि हमने हेल्प मांगी क्या, मत करा करो हेल्प, हमें जरूरत नहीं है हेल्प की, ऐसे बोला भाई, ठीक है भाई, करने लग गया था भाई, हाँ भाई ये आ गए हैं दूसरे भाई, माफी मांग रहे तू उधर ये तो भाई ऑफिस में था, इसको क्या पता क्या मैटर हुआ क्या नहीं हुआ, पर भाई मत्था आउट था उस टाइम पे, उससे इज्जत से बात करते हैं हम, पर क्या करे, मैं भाई का आपको बताया बाइक के चक्कर में तो मत्था आउट था ही, उसी बाइक के मैकेनिक के वहीं से आ रहे थे, हाँ उसी ने खर्चा बता दिया और क्या कल आना भाई, पर घर ही जा रहे थे, मेरा मत्था आउट हो रहा भरने के लिए भाई 1800 रुपए लगते हैं सिंगल सोकर के, 950-950 रुपए लगते हैं, खर्चा बताया उसने, मत्ता आउट हो गया भाई, अब 2 मिनट गाड़ी निकाल, गली से बाइक निकालो नहीं, खर्चा आ गए
भाई मानोगे नहीं तुम, इतना पैसा लगाने के बाद भी भाई गाड़ी में ले आएगा रात में हनुमान मंदिर उसने ले चलते भाई ऐसी मंगलवार तो है कल, अभी जा रहा हूँ मैं तो, अभी जा रहा है यार मत्था आउट हो रहा तेरी कसम बहुत ज्यादा। अबे यार चार गली निकल नहीं रही आगे कुछ खर्चा, गलियों में कहाँ कुदा देंगे भाई, 100 कर इतने कमजोर होने लगे हैं केटीएम के। अबे नहीं उसके शुरुआत से थे भाई, उसके वो मैकेनिक बता रहा था उसमें कि भाई एक में खराबी है, एक तो सही चल रहा है तब चला लो, अब उसने तीन बार पूछा भैया 100 कर ओके है, 100 कर ओके है, ओके भाई ओके चलाओ ना कुदाओ ना भाई ने कुदाई भी नहीं फिर भी लीक हो गया। बताओ यार तो आज कैसे गाड़ी साफ भाई आज कैसे पता, आज कैसे पता चल गया उसको 100 का लीक है उसके भाई, गाड़ी साफ कर रहा हूँ 100 कर पे यार रोहित मैंने भाई उस पे 100 कर पे रबेटा कीचड़ जैसा हो जाता है गाइस, जिसको ना पता हो 100 कर लीक हो रहे हो तो कीचड़ हो जाता है, तो कीचड़ टाइप में हो जाएगा, मिट्टी सी पकने लग जाती है, ऑयल निकलने लग जाता है, लोहा ऑयली सा होगा, ऑयली ऑयली सा। पहले उसको मैंने साफ करा, मैंने बोला यार क्या पता ऑयल ऑयल डाला होगा इससे मिट्टी आ गई होगी, क्योंकि चैन साफ कराई थी, चैन में ऑयल डलवाया था, तो मैंने बोला 100 कर ओकर में भी डाल दो थोड़ा ऑयल, तो मैंने ऑयल छटा के दोबारा थोड़ी देर बाद घुमा के लाया तो देखा तो यार फिर दोबारा से लीक, मैं समझ गया 100 कर लीक। 100 कर लीक में डलता क्या है वैसे भाई, एक किट होती है भाई, किट होती है, सील डलेगी, सील डलती है, सील टूटती है, सील डलेगी और वो अंदर वापस 100 कर का तेल डलेगा, 100 कर का तेल डलेगा, लेबर चार्ज लेगा, सब चीज इंक्लूडेड होता है भाई, क्योंकि पूरा चिमटा खुलता है 100 कर के लिए, चिमटा खुलता है पूरा, टायर वायर सब बाहर निकलेगा तेरा। ठीक है भाई, तो यार ऐसा ही हो रहा है आज, चलेंगे हम जब मंदिर, अभी इधर सुन बनाएंगे लोग भाई, बात इधर देख, अभी मूड पिनक सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी मैं कहीं और भी मिल सकता, कहीं और भी मिल सकते हैं लाइव, नजर उतारवानी पड़ेगी, नींबू मिर्ची लगवानी पड़ेगी, जरूरी हो गया भाई, हो गया जरूरी भाई, एक दिन बाइक ने वहां अंकित ने वहां मार दी मंगलापुरी में, मंगलापुरी में खड़े खड़ी खड़ी बाइक ठोक दी एक बंदे स्कूटी वाले ने, खुद ने अपना हैंडल साले ने मेरी जान को मारा, बताओ गर्मा गर्मी गर्मा गर्मी वहां फिर, और भाई बाइक हो रही है कागज, पता नहीं क्या हो रहा है, हैंडल टेढ़ा लगते के साथ हैंडल टेढ़ा, बंदे मैकेनिक कह रहे हैं पाइप चेंज करा दो, रोड चेंज करा दो, उनसे हैंडल सीधा नहीं हो रहा भाई, भाई 1200 रुपए की रोड आती है जिसे ना बताओ यार, वो सीधा कह रहे हैं भैया थोड़ा थोड़ा मतलब हो जाता ऐसे कर लो, अब इसको ठीक ही करा भाई, इतना फ्री के पैसे थोड़े खाओ भाई, गाइस पकौड़े खा लो, पुए है भाई ये मीठे पुए होते हैं गाइस, आज सकट है, तुम मम्मी ने बनाया है, हम तो ऐसे तुमने तो देखे नहीं होंगे, कोई नहीं नसीब कर लो, हम तो डाउन टू अर्थ आदमी है, जमीन से जुड़े हैं, एक एक चीज बनाते हैं, पर भाई बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है जब से ना किसी भाई कलुए की नजर लगी है भाई, मुझे चलो थोड़ा खा लूं, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, ब्रेक का लीवर तोड़ दिया भाई ने, भाई ने खड़ी खड़ी बाइक गिरा दी है, खड़ी खड़ी बाइक में खर्चा जोड़ दिया भाई, लीवर लगवा के नहीं आया, एक तो लीवर नहीं मिलता भाई, ब्रेक का लीवर ढूंढ के पागल, भाई जो केटीएम ले लेना भाई, अब मत लेना जिन पे है वो चलाओ, मुश्किल है भाई अब तो, नहीं मत जिन पास तो दो दो है इसीलिए हम झेल रहे हैं, तो झेल ही रहते हैं भाई, एक का सामान इधर उधर जाएगा, पलटी हो जाती है भाई, देखो यार मैंने इससे ना एक चीज सीख ली, गाड़ी बोलो जिसके पार्ट आसानी से मिल जाए, गाड़ी एनएस ले लो यार, बजाज के पार्ट मिल जाते हैं आसानी से, एनएस तो यार वही सेम चलती है, आरिसो के यार मॉडिफिकेशन करता है यार वो भाई, यार तो जिंदगी में मजे ले लो, पर भाई गाड़ी इधर देख लो, जब रोड पे चलती है ना तो गाड़ी सीखे मारती है, भाई चला चल प्रश्नी है, और लड़के कमेंट ही मारते, ये तो मेरे ड्रीम बॉय जा रहे हैं मुझे देख के देख, वो जा रहा मेरे सपनों का राजकुमार, घोड़े पे मैंने उसको बोला था, पर ये तो ड्यूक पे जा रहा, भाई घोड़े का जमाना चला गया, बंदे बाइकों पे आते हैं, अरे भाई ड्यूक पे, एक तो ये भी कह रहा था देख भाई मेरी कच्ची गीली होगी, एक कह रहा था भाई ड्यूक दिग्गी कच्ची गीली होगी, सुखाने जा रहा हूँ, तो भाई ऐसे ऐसे बंदे हैं, तो अरे भाई एक तो नहीं मंगलापुरी में तू आ गया था ना बाइक पे, तो बस में बैठ के क्या बोलता, क्या क्या कर भैया इस टोपी तो मार के दिखा मैंने, वैसे 100 कर लीक हो रहे हैं तेरी टोपी मार दो भाई, बंदों को लगता है ना ड्यूक पे जा रहा है स्टंटर होगा, भाई हम जैसे शरीफ लोग भी चलाते हैं गाड़ी, वो साले उस दिन ऐसा अक्रम ने उछाली तब तो नहीं हो गई, नहीं यार यार उसके एक बंदे से ऐसे भाई वो पहले से है उसमें, कोई नहीं करवाना तो पड़ेगा भाई, करवाना तो पड़ेगा ही भाई, करवाते हैं यार खर्चा तो दे ही रहे हैं, नहीं अभी यही खर्चा होगा भाई, एक गिन चिन के आ रहा है वो चलाने के, पता चल रहा है भाई खर्चा तो होता रहेगा, भाई थोड़ा थोड़ा पता चलेगा बस, चलो भाई बाकी बाहर मिलते हैं, कुछ दिखाते हैं तुम्हें नया, भाई हम लोग मंदिर आ गए पूजा करने, हर शाम के मंदिर भाई, जय शाम, जय श्री श्याम, मंदिर की आरती देखो तुम, श्याम देवाय नमः, भाई तुम्हारा भाई आ गया था थोड़ा बहुत सामान लेने बाहर, पर दुकान है ना सारी बंद है बाहर, आज पता नहीं क्या हो गया, अभी तो
भाई 11 ही बज रहे होंगे करीब, 11 बजे मैं बाहर आया और दुकानें बंद होगी, मतलब भी मैगी खाने का मन था, मैगी नहीं खा पाएगा तुम्हारा भाई, पर ऐसा मैं होने दूंगा, ब्लिंकिट से ऑर्डर करूंगा, अभी ब्लिंकिट से मंगाऊंगा, रात में चालू रहता है ब्लिंकिट, अभी मंगाऊंगा ब्लिंकिट से ऑर्डर करके। तो भाई आज का व्लॉग जाके सारे देख लेना, लाइक कमेंट शेयर सारे मार देना बढ़िया से, ठीक है, और प्यार बनाए रखो, और व्लॉग रेगुलर आएंगे भाई, अब चाहे कुछ हो जाए, साढ़ा बीमार हो जाऊँ कुछ हो जाए, लोग आएगा अब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, राम राम भाइयों को, मौज मारो ठंड है, ठीक है, बाय।